जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम सीटेट के ईवीएस के एक इम्पोर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है, आसान है, घबराना नहीं है। कई बार लोग इसे सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बहुत आसान है। सवाल देखिए कैसे पूछा जाता है। जैसे क्या करेगा आपको, आपको जैसे ये बता दिया जाएगा कि मानचित्र पे मान लीजिए मैप हम जब बनाते हैं तो इतना बड़ा तो बनाते नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके कोई किसी शहर की दूरी 100 किलोमीटर है, तो हम 100 किलोमीटर लंबा मैप तो बना नहीं सकते। तो मैप में क्या होता है कि हम 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। इस सवाल में कह रहा है कि एक कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की एक एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। कैसे दिया गया है, जैसे मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है वो वास्तव में 110 मीटर है, जमीन पर 110 मीटर है और मैप में हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर वहां पे दर्शाया गया। अब ये कह रहा है कि यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरु दरवाजे के बीच की दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, इन दरवाजों की बीच की कम से कम वास्तविक दूरी कितनी होगी। समझ में आ गया, मैप में हमें दे रहा है बाबू, मैप में हमें दे रहा है 15.5 सेंटीमीटर और मैप में 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 110 मीटर के बराबर है। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और देखिए कितना आसान है, कैसे आप इसको सॉल्व कर जाएंगे मजे से, आप इस जरा चीज को देखिए। अब जैसे जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि 1 सेंटीमीटर को कितना दिखाया गया है। 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे दोस्तों 1 सेंटीमीटर को 110 मीटर दिखाया गया है, 110 मीटर यहाँ पे दिखाया गया, राइट। और मैप पे जब हम मान रहे हैं तो हमारा कितना है, 15.5 है। जब 1 सेंटीमीटर को 110 बताया जा रहा है तो 15.5 को कितना बताया जाएगा, आप एक काम करिए 110 में 15.5 को गुणा करा दीजिए, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 1 से करना है 155, यहाँ पे भी 1 से करना है 155, इसको अगर करेंगे 5, 5, 5, 10 के 0 कैरी 1, 5, 1, 6, 1, 7 और यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना, 110 है ना, तो 110 यहाँ पे 0.0, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1705, ठीक है। अब 1705 मीटर आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, समझ में आई बात। मतलब अगर मानचित्र पे 15.5 है ना तो वो 1705 मीटर निकल कर आएगा। लेकिन अगर आप आंसर देखेंगे बाबू तो आंसर जो आपका दिया है वो किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, आप सिंपल यहाँ पे 1000 से भाग दीजिए, 1705 को आप 1000 से भाग दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 1705 को अगर आप 1000 से भाग दे देते हैं तो कितना, 1, 2, 3 जीरो है पॉइंट, यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1705 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1.705, देखिए आंसर कितना है, 1.705 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 1.705 किलोमीटर। समझ में आया, बहुत आसान है। एक अगला प्रश्न देखिए ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक उसी तरह से किसी पुस्तक में गोलकुंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर नहीं, वास्तव में ये गलत अंक हो गया, 100 से विकल्प नहीं आएगा, यहाँ पे 110 होना चाहिए, एग्जाम्स में आपसे गलत दे दिया था, यहाँ पे 110 होना चाहिए। तो कह रहा है कि इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की दूरी कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इस सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। देखिए इसको सवाल फिर से कैसे करें, हमारा 1 सेंटीमीटर कितने के लिए है भाई, 1 सेंटीमीटर को 110 दिखा रहा है, 110 मीटर दिखा रहा है, तो मानचित्र पे कितना है, 13.3 है, मानचित्र पे कितना है, 13.3 है। तो फिर से एक काम करिए, 110 को 13.3 से मल्टीप्लाई करा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3, 3, 3, 3, 3, 6 और 3, 1, 4, 6, 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, 4, 6, 3, क्योंकि ये 0 से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 1, 4, 6, 3 इसकी वैल्यू आएगी। आंसर किलोमीटर में दिया है, आंसर किलोमीटर में दिया है, तो इसको फिर क्या करेंगे, 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से आप जीवन भाग देते हैं दोस्तों, तो 3 है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1.463, यानी कि 1.463 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको आपस में गुणा करा के और उसके बाद 1000 से डिवाइड कर देना है, अगर किलोमीटर में दिया है तो। जरा इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के, सेम वही 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 110 मीटर के बराबर है मानचित्र में, और हमारी दूरी कितनी निकली, 15.4 निकली है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 110 गुणा 15.4, ठीक है। अब चाहे इसको ये भी कर सकते हैं, 11 गुणा 154,
ये भी तो कर सकते हैं, 11 गुणे 154, देख लीजिए 154 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे भी 154 लिख दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4, 9, 6, 1694 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 1694 को अगर किलोमीटर में है तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 अंकों 3 0 है, 3 अंक इधर पॉइंट लग जाएगा, 1.694, देखिए कितना अच्छा सवाल है, 1.694 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई समस्या हो रही है, कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आप इसी तरीके से करते जाएंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, फिर वही बात गोलकुंडा के बारे में पूछते हैं, 1 सेंटीमीटर 110, फिर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है बाबू, 110 के बराबर है। अब आपको लगेगा कि सर मैथ टफ है, टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, घबराना नहीं है और आपको करते जाना है, प्रैक्टिस कर लीजिए ना, कितना मजा है, सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में पूछेगा तो धड़ाक से करके आएंगे। हमें निकालने का कितने का 14.2 का निकालना है, 14.2 × 110 कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप 142 × 11 कर लीजिए, और 11 से मल्टीप्लाई कराना कुछ नहीं है, 1 से 142, फिर यहाँ पे 142 कितना आ गया, 2651, 1562, ठीक है 1562 आ गया। अब इस 1562 को 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 1562 को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.562 यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया, 1.562 निकल कर आ गया, कोई सवाल दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, या फिर मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, ये आप कर लेंगे, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि 110 ही लिखा रहता है, कुछ भी लिख दे हमको उससे मल्टीप्लाई कराया है, चलिए फिर से इसको कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना है भैया, 1 सेंटीमीटर हमारा 110 के बराबर है, जितना रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें 10.7 की बात करें, 10.7 की बात करें, 10.7 × 110, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 107 × 11 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, जब 107 × 11 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 107 ये हो जाएगा 7711, ठीक है ये हो जाएगा। 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 1.177, ये वाला हमारा आंसर सही निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल में बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक कर दिया है, 1 सेंटीमीटर को 950 माना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर = 950, हमें निकालना कितना, 16.7, तो 16.7 को क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पे 16.7 × 950 कर लीजिए, या फिर 16167 × 95 कर लीजिए, कर लेंगे कि मैं कर लूँ, कर लेंगे या कर लूँ, चलिए कर लेते हैं, 5 × 35 = 5 कैरी, 3 × 5 = 30, 3 × 35 = 3 कैरी, 3 × 5 = 5, 3 = 8 और 7 × 9 = 63 कैरी, 6 × 9 = 54, 6 = 60 8 × 0 कैरी, 6 × 9 = 15 सही है, 5, 6, 8, 1, 5, 1, 5, 8, 6, 5 एक दशमलव इसमें नहीं लगेगा, ठीक है देख लेते हैं एक बार फिर से, 7, 7, 9, 7, 63 कैरी, 6, 7, 9 = 54, 54 और 6 = 60 कैरी, 6, 9 = 15 सही है, 1, 1, 5, 8। अब इसको 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.865, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये देखिए 8.86 है, तो आप इसको 15.9 भी लिख सकते हैं, 15.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद 6 है, यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे एक मिनट 15.9 ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा। अब आप एक काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, अब आप सोच रहे हो कहेगा कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, नहीं ये मैं हमेशा बाद में कहता हूँ और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सबसे खुशी होगी आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार सॉल्व करिए, आप 4 प्रश्नों को कर लीजिए ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये आपसे एग्जाम में आएगा धाम से, मतलब बहुत धड़ल्ले से करेंगे, बहुत मजे से इस सवाल को करेंगे, ठीक है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मुझे क्रॉप कर लीजिएगा, मुझे रख के क्या ही फायदा, आप मुझे क्रॉप कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बाकी जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं मैं उनको डायरेक्ट PDF ही भेज दूंगा ये सारा, बाकी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अपने तरीके से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर 110 दिया है तो 110 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है इसकी स्क्रीनशॉट लेके देखिए क्या आंसर आपका क्या है। फिर मैं इस वीडियो को यहीं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ, अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा, अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही 1 बाय 1 करके चलेंगे, आपका देखिएगा EVS बड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। हाँ ये बात सही बात है कि बहुत बहुत महारथी लोग स्टेट में हैं, हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं, बट स्टिल हम यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि मेरे से चैनल से जुड़े जो बच्चे हैं उनके साथ कोई टॉपिक छूटे ना। तो अब इसमें देखिए अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है,
राज्य और उनके संबंधित घर। कई बार आपसे सवाल पूछा है, कैसे सवाल पूछा जाता है? सवाल जैसे पूछ देगा कि मान लीजिए बांस के ऊंचे घर बने हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या फिर एक सवाल पूछ देगा कि एक बच्चा है गगन, गगन जी कहता है कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहां पे मिट्टी के घर बनते हैं, और मिट्टी के घरों से मिट्टी से प्लास्टर होता है, और जो हमारी छत होती है वो क्या होती है, कांटेदार पेड़ के पत्तियों से या डालियों से छत बनाई जाती है, वर्षा वहां कम होती है, कौन सा क्षेत्र होगा? राजस्थान होगा। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। कई बार आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पहाड़ है, बर्फ गिरता है, बारिश होती है, हमारे घर लकड़ी के पत्थर के बने होते हैं, तो कौन सा क्षेत्र, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल अभी पूछ दिया जाएगा कि मैं जिस शहर से आता हूँ उस शहर को बर्फ का रेगिस्तान कहते हैं, कौन सा शहर है बताओ, लेह लद्दाख है। इस तरीके से सवाल जो आपके पूछे जाएंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से सॉल्व करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। चाहिए जब हम ज्यादा हो गया।